ये है भाई 20,000 रुपए के अंदर सबसे बेस्ट फोन इस टाइम पर। अगर आप एंड्रॉइड साइड में कोई फोन लेना चाहते हो तो भाई इस बार सेल के अंदर ये फोन आपको 20,000 से अंदर मिलने वाला है। और ये फोन कौन सा है? ये भाई मोटोरोला की तरफ से आने वाला H40 Neo। अब भाई मोटोरोला ने ऐसे धमाके करे ना पिछले 3-4 महीने के अंदर की सच बता रहा हूं सबका दिमाग हिल चुका है। और यहाँ पे आज हमारे पास एक और ऐसा धमाका है मोटो H40 Neo जिसको हमने भाई पिछले 1-1.5 हफ्ते से यूज कर लिया है। अच्छे से आप लोग बताने जा रहे हैं इस फोन के बारे में, कैसा लगा हमारे को फोन, क्या क्या चीजें हैं इस फोन के अंदर और क्यों भाई ये फोन आपको लेना चाहिए और क्यों ये 20,000 के अंदर मस्त फोन बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से, वो है भाई प्राइसिंग। अब यूजुअली ये फोन जो लॉन्च हुआ अराउंड 22,000 के अंदर हुआ है, लेकिन इसको बोला जा रहा है फ्लिपकार्ट की सेल के अंदर ऑफर्स के साथ ये फोन आपको अंडर 20,000 देखने मिलेगा, अराउंड 19,999 का जो भी कार्ड्स के ऑफर होंगे उनके साथ। अब इस प्राइस सेगमेंट में ये फोन क्यों अच्छा बनता है, सबसे पहली चीज आपको बताता हूं इसका डिजाइन। ये फोन भाई बहुत ही ज्यादा वेल बिल्ट मुझे पर्सनली लगा। अगर आप 20,000 की सेगमेंट में देखते हो आपको ऐसे डिजाइन के फोन नहीं देखने मिलते। ये फोन का जो कलर है ये पैंटोन एडिशन है, कैनियल बे कलर है एंड इस फोन का बेसिकली ये ब्लूइश टिंट देता है हमारे को, एक काफी सटल सा ब्लू कलर है एंड पीछे साइड में यहाँ पे वीगन लेदर देखने मिलता है। एंड ये जो लेदर है बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है, नॉर्मल किसी भी फोन से अगर आप देखते हो तो थोड़ा सा आपको अलग फील देगा और आपको लगेगा कि आप कुछ अलग यूज कर रहे हो। ये एक पहला पॉइंट होता है जो मुझे इस फोन का पसंद आया। देन अगर आप लोग इस फोन को यूज करो हाथ में तो एक कॉम्पैक्ट फील भी है, साथ ही साथ डिस्प्ले भी छोटी नहीं है, मतलब एक बड़ी डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले साइज जो है वो है 6.5 इंच का, लेकिन ये पी ओलेड पैनल है और ये 10-bit पैनल है और साथ ही में 144Hz सपोर्ट करता है। डिस्प्ले के बारे में थोड़ी देर में बात करता हूँ, डिजाइन की जैसे मैं बात कर रहा था ना, तो ओवरऑल जो ये फोन है इन हैंड फील आपको बहुत अच्छी देगा बिकॉज ऑफ द 6.5 इंच की डिस्प्ले, पीछे वीगन लेदर एंड इसकी जो बॉडी है वैसे तो प्लास्टिक के, लेकिन इसमें ऐसा फील दिया गया ब्रश वाला, लगता है दूर से कोई मेटल बॉडी है, तो ये एक अच्छा लगा। साथ ही जो एक्सेंट्स दिए गए हैं वो बहुत प्यारे हैं इस फोन के साथ एंड ऊपर से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइक बटन्स हैं वो किस इस तरीके देखने मिल जाते हैं। नीचे साइड में आपको टाइप सी का पोर्ट है, यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर का सेटअप मिल रहा है फोन के अंदर जो कि आगे सुनाऊंगा वो भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल भाई देखो डिजाइन वाइज मैं बोलूंगा ये एक नंबर फोन है, बहुत ही ज्यादा वेल बिल्ट मैं बोलना चाहूंगा इस फोन को। अब ये जो डिजाइन है भाई यहीं पर इसमें समाप्ति नहीं होती, यहाँ पर कुछ और भी चीजें जो मोटोरोला ने बोला लो और ले लो भाई साहब और मजे करो। तो यहाँ पे हमारे को IP68 की इसमें रेटिंग देखने को मिल रही है, मतलब आप लोग इस फोन को समर्ज कर सकते हो वाटर के अंदर, मतलब अगर गलती से गीला हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मतलब ये भी प्लस पॉइंट है ना। आपने देखा होगा 20,000 से नीचे हमारे को जल्दी से चीज नहीं देखने को मिलती और ये अलग है भाई। तो अब वापस आते हैं भाई डिस्प्ले के ऊपर, यहाँ पे डिस्प्ले से हमने ना काफी ज्यादा अलग चीजें चेक करी, अलग अलग सिनेरियोस के अंदर हमने यूज करी जैसे मैंने आपको बताया, और जो पीक ब्राइटनेस डिस्प्ले काफी सही है, 1300 की पीक ब्राइटनेस देती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना आपको डिस्प्ले के अंदर कर्व देखने को मिलता है, तो एजेस से ना कर्व है, तो अगर हमने कभी कर्व वाले फोन नहीं यूज करो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत लग सकती है कि यार इसमें कर्व है थोड़ा सा एक्सटेंडेड टचेस, लेकिन ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर थोड़े दिन आप लोगों को लगेगा फटाफट उसके बाद आपको इतना प्यार हो जाएगा इससे आपको लगेगा भाई मस्त होते हैं। कर्व स्क्रीन वाले फोन आपको डेफिनेटली ज्यादा बेटर प्रीमियम फील देते हैं फ्लैट स्क्रीन वाले फोनों से और मुझे पर्सनली ये ज्यादा पसंद है। इवन अगर आप लोग देखोगे फोन सामने से दिखने में बहुत प्यारा लगता है, पंचोल कैमरा हमारे को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे एक और चीज होती है लोगों को कंसर्न, मैं आपको बता दूं ये रिव्यू हम उसके अंदर बता रहे ना कि 144Hz स्टेबल है या नहीं चलता कैसे होता है, तो हमने ना सब चीजें चेक करी, तो 144Hz जो इंस्टाग्राम में भी चल रहा था, फोटोज ऐप में भी चल रहा था, हमारे यूट्यूब में भी चल रहा था, हर जगह पे 144Hz ले रहा था ये, तो ये एक अच्छी चीज है। यूजुअली ना फोन नहीं जाते 144Hz, कुछ कुछ एप्लीकेशन में रुक जाते हैं, बट इसके अंदर उसने स्टेबल रखा तो ये एक अच्छा लगा पॉइंट। एंड आप लोग जब इस फोन को डे टू डे यूज करोगे तो आपको फील होगा कि 144Hz सच में काम आ रहा है। जैसे मैंने बताया इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है जो क्वालिटी आप स्पीकर की सुनो आपको सच में मजा आएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि हल्का जो सेपरेशन होता है ना वो आपको फील हो रहा है, जो बेस हो गया आपके मिड्स हाईज लोज जितने भी होते हैं ना इनके अंदर सेपरेशन फील होता है, तो ये बात तो सच है कि मोटोरोला ने इस चीज के ऊपर काम किया है। एंड साथ ही साथ फोन के अंदर डॉल्बी एटमॉस का भी आपको सपोर्ट मिलता है, तो आप लोग सेटिंग्स में जाकर इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो, थोड़ी आपको सराउंड साउंड वाली फील दे देगा। और बाकी फोन के अंदर हमारे को एज एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाती है, अगर मान लो आपको फोन ऐसे उल्टा रखा हुआ तो साइडों से देख रहे हो ये 3D आपको यहाँ पे लाइट आएगी जिससे आपको पता चलेगा आपके फोन पे कोई ऐसे लाइक नोटिफिकेशन आई है। भाई आवाज सच में बहुत तेज है इस फोन की एंड साथ ही में जो वाइब्रेशन फीडबैक है वो भी काफी ज्यादा सही है। अब अगर वाइब्रेशन की बात करूं यहाँ पे तो ना इसका घी घी वाली वाइब्रेशन है, टक 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 वाली नहीं है, तो वो एक थोड़ी सी यहाँ पे कमी आप लोगों को लग सकती है, बट सच बताऊं उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं क्योंकि और चीजें ना बेटर हैं इसमें, तो उसमें कोई आपको दिक्कत ऐसी आएगी नहीं, बट अगर टक टक वाली होती तो और प्रीमियम लगता है फोन, बट अब ज्यादा नहीं हो रहा, मैं ज्यादा मांग रहा हूँ ऐसे बहुत तेज हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे पता है काफी लोग पूछेंगे भाई चलो अब डिस्प्ले अच्छी होगी डिजाइन अच्छा होगा बट परफॉर्मेंस का क्या है, परफॉर्मेंस के बारे में बता दो। तो इस फोन के अंदर भाई पहली बार लगाया गया MediaTek Dimensity 7030 प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस्ड प्रोसेसर, अभी एक नया प्रोसेसर है पहली बार यूज करा गया है, तो यहाँ पे जो इसका Antutu अगर आप स्कोर देखते हो तो अराउंड 5.5 लाख का आ रहा है हमारे पास भी। एंड हमने ना क्या किया, हम लोग यार ज्यादातर ना टेस्ट के ऊपर बिलीव नहीं करते क्योंकि यार होता है ना दिक्कतें आती हैं कभी किसी का कुछ आ रहा है, सिनेरियोस अलग अलग होते हैं, तो मैंने इसके ऊपर गेमिंग करी BGMI के अंदर क्योंकि काफी लोग गेम खेलना पसंद होता है, तो हमने इसके अंदर 60 FPS खेला,
आराम से हमारा कॉन्स्टेंट 60 दे रहा था, अराउंड 55-60 के बीच में बढ़िया फ्रेम्स आ रहे थे। एंड साथ ही में एक चीज हम नोट करिए, हल्का सा ना फोन आपको वार्म लग सकता है जब आप लोग इसमें ज्यादा लंबे समय तक के लिए गेम करोगे, तो ये भी एक चीज ध्यान रखने वाली है, बट ऐसा कोई दिक्कत मत लेना। एंड बाकी आप लोग देख सकते हैं 5G प्लस लिखकर आ गया है, तो मतलब 5G स्क्रीन आराम से वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इंटरनेट के अंदर। एंड हमारी सिम के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मस्त चल रहा है मतलब नेटवर्क, तो क्योंकि इसमें हमारे को 14 5G के बैंड लगाए गए, यार जितने भी 5G बैंड अभी इस टाइम पर नेसेसरी है इंडिया के अंदर वो सारे इसमें अवेलेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस पॉइंट एक और चीज बताता हूं, यहां पे हम लोग बात करते हैं ना लाइक ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो इसमें ना UFS 2.2 की स्टोरेज है। अब यहां पे 2.2 स्टोरेज सही लगती है मुझे, ऐसी कोई बुरी नहीं है, तो आपकी जो नॉर्मल स्पीड्स हैं आप लोग ऐप ओपनिंग क्लोजिंग जो है सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हां अगर 3.1 होती या 3.0 भी होती तो बहुत बेटर हो जाता। एंड यहां पे रैम और स्टोरेज से भी आपको टेंशन लेने की बात ही, 12 GB की रैम इसमें लगाई गई है जो कि LPDDR4X बेस्ड है, और हमारे को 256 GB की मस्त स्टोरेज भी मिल रही है। एंड आप इसके अंदर कोई भी माइक्रो SD नहीं लगा सकते। अब इस प्राइस सेगमेंट के अंदर एक और मेजर चीज होती है, वो थे कैमरास। तो यहां पे भाई कैमरास का थोड़ा सा आप लोगों को सेगमेंट बताना चाहूंगा। 50 MP के अंदर हमारे को एक कैमरा देखने को मिलता है मेजर जो है मेन हमारा, एंड ये कैमरा जो है OIS के साथ आता है, हां भाई ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन है इसके अंदर, और साथ ही में इसमें एक फीचर लगाया गया जो कि होराइजन लॉक। अगर आप लोग वीडियो बना रहे हो ऐसे और आपने अपना फोन ऐसे भी कर लिया ना तब भी ये लॉक रहेगा, उस पर मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा आगे। साथ ही हमारे को 30 MP का एक और सेंसर मिलता है जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जो कि मैक्रो एंड डेप्थ दोनों काम करेगा। अब मैं आपको सीधे सीधे दिखाता हूं, यहां पे अगर हम फोटोज में जाते हैं तो आप लोग देख सकते हो हमने इससे कितनी सारी फोटोज क्लिक करी हैं। अराउंड हमारे को पास ये फोन आ गया था देख सकते हो 20 तारीख के आसपास, तो आप लोग यहां से देख सकते हो सारी फोटोज हमने क्लिक करी हैं। एंड हर सिनेरियो के अंदर आप लोग देखोगे जो कलर्स है काफी ज्यादा पंची आ रहे हैं, बहुत एक अच्छा कलर्स प्रोड्यूस कर रहा है। स्काई के अंदर आप देख सकते हो काफी अच्छे कलर्स दिखे हैं हमारे को, और फोटोज के अंदर पंची कलर्स तो डेफिनेटली है। तो अगर आपको पसंद है सैचुरेटेड वाली फोटोज तो इससे आप लोग को मिल जाएंगी वो। एंड इवन हमने भाई नाइट के अंदर भी टेस्ट करते हैं इसके कैमरास को, जिसके अंदर की भाई आप लोग देख सकते हो इसके अंदर हमारे को अल्ट्रा नाइट विजन कैमरा देखने मिलता है, तो नाइट के अंदर भी इसने सही काम किया। ओवरऑल हमारे को शार्पनेस अच्छी खासी मिल रही है। एंड ये देखो शॉट देखो, जो डायनेमिक रेंज है नाइट के अंदर भी अच्छी मेंटेन है। एंड ओवरऑल जो सुबह के शॉट्स है उसके अंदर तो भाई क्रेजी ही काम कर रहा है। अगर आपको सैचुरेटेड कलर्स पसंद तो भाई इसमें आपको मजा ही आने वाला है। एंड साथ ही में मैक्रो शॉट्स भी लेते, मैक्रो के अंदर भी इसने काफी अच्छा काम किया है, अल्ट्रा वाइड के अंदर भी इसने अच्छा काम किया है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कैमरा इसके अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वीडियो सेक्शन में यूजुअली भाई फोनों के अंदर आपको फुल एचडी तक का सपोर्ट मिलता है इस सेगमेंट के अंदर, बट इस बार इसमें 4K 30 FPS का सपोर्ट दे दिया गया। मेरे को था कि भाई 60 FPS का सपोर्ट एटलीस्ट पीछे होता तो सही रहता, क्योंकि OIS तो और बढ़िया से मस्त फील आती, बट कोई नहीं। बाकी सामने की तरफ में आपको 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे वीडियो क्वालिटी आप लोग देख सकते हो किस तरीके की आ रही, मुझे ठीक लगी, बाकी आप लोग बताना। एंड ये हम अल्ट्रा वाइड से रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, आप लोग देख सकते हो अल्ट्रा वाइड से कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे इस बढ़िया मोटो H40 नियो। ये इसकी 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड हो रही है OIS के साथ। आप लोग देख सकते हो मैं इधर हिल रहा हूँ लेकिन फिर भी सही तरीके से चल रहा हूँ, देखो आप स्टेबल कितना है। एंड ओवरऑल आप डायनेमिक रेंज यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके की आ रही वीडियो के अंदर। एंड इसका बैक कैमरा है, तो यहाँ पर क्वालिटी का आपको अंदाजा पता चलेगा। थोड़ा हाईलाइट को देखो कितना अजीब सा करता है कभी बार लाइक सनलाइट के अंदर, बट कभी बार ठीक कर देता, तो थोड़ी सी ये दिक्कत है, बाकी तो मेरे को ठीक लगा। अब भाई ओवरऑल हमने कैमरास की बात कर ली, हर चीज की बात कर ली, लेकिन एक और मेजर चीज होती है मोटो के फोन्स में होता है इनका भाई UI। अब ये जो UI है भाई मोटो का अपना आपको पता है MIUI है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13, जिसके अंदर हमारे को 2 साल के मेजर अपडेट्स मिलेंगे और 3 साल के बढ़िया हमारे सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। अब ओवरऑल अगर आप लोग इस फोन को यूज करोगे तो इसमें काफी अलग अलग फीचर्स आ जाए, जैसे कि मोटो जेस्चर्स आपको मिलते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा इस फोन के अंदर। एंड इवन इस बार ना इन्होंने मोटो कनेक्ट एंड मोटो सिक्योर जैसे फीचर्स और डाल दिए जो कि फोन को काफी ज्यादा सिक्योर बना देते हैं। तो अगर आप कोई ऐसे फोटोज ले रहे हो आप अपना एक अलग से फोल्डर बना सकते हो जिसको आप सिक्योर कर सकते हो, तो मतलब वो चीजें इसमें अब डाल दी गई हैं, थोड़ी सी इंडल्ज कर दी गई हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। बाकी मोटो कनेक्ट का फीचर मिलता है, मतलब आप लोग इस फोन को अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हो और पूरा फोन वहां पे यूज कर सकते हो, तो ये भी एक अलग फीचर है। अब एट द एंड भाई हमारे को यहाँ पे बैटरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक मेजर चीज होती है। तो यहाँ पे भाई 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है इस फोन के अंदर, 68 W का हमारे को चार्जर जो है इन द बॉक्स मिल रहा है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, आपका फोन तेजी से चार्ज हो जाएगा फुल टू। और अगर बात करूं स्क्रीन ऑन टाइम की, तो अराउंड आपको 6 से लेकर 7 घंटे का छुट्टी दे देगा आपके नॉर्मल से हैवी यूजेज की, डिपेंडिंग कि आप क्या कर रहे हो। एंड काफी लोगों ना दिक्कत आ रही थी, मैंने ट्विटर पर देखा था कि भाई इनको चार्जिंग में इशूज आ रहे हैं फोन के अंदर, चार्ज टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है, बट मेरे साथ ऐसा हमें तो फीचर लाइक हुआ नहीं है ना, ऐसी कोई दिक्कत हमारे को पर्सनली फील हुई, तो हमारा तो फोन ठीक था, बट हाँ वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आगे आके चेंज हो सकता है। एंड वो लोग मोस्टली जो है दूसरे चार्जर से चार्ज करते, तो इसलिए भी वो इशू आ सकता है। हमने तो भाई इसी के चार्जर से चार्ज किया तो कोई दिक्कत नहीं, मस्त तरीके से चार्ज हुआ। तो मेरे हिसाब से इतने अच्छे फीचर जो इसने दिए ना, उस वजह से ये फोन बन जाता है वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन यू कैन बाय अंडर 20,000 राइट नाउ। और भाई अगर आपको ये वाला फोन लेना है तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो, फ्लिपकार्ट की सेल आने वाली है, क्योंकि भाई हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आईफोन भी आपको पता है भाई बहुत जल्दी आने वाले, मस्त मस्त रेट के ऊपर सैमसंग के फोन आने वाले, तो मजा आएगा भाई सेल के अंदर ही फोन उठाना। मैं उसके ऊपर आपको वीडियो और दे दूंगा, और अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।